एग्जाम्पल नंबर 26। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका नाम है हमारे पास एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें u जो है हमारे पास x और y का फंक्शन है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और चूंकि इसमें x और y इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमारे पास इसमें x और y की क्या रेंज होगी, इसमें हम कर लेते हैं 0 और से 1 तक। इसी तरह से y की भी रेंज हमारे पास 0 से 1 तक होगी। तो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास हैं, ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसमें हमारे पास जो y है ये इसमें 0 है और इसमें y 1 है, और x का फंक्शन बन जाएगा ये हमारे पास 0 है और इसकी डिफाइनिंग है 1, और x की रेंज ये दोबारा लिख दी है 0 से 1 तक। इसी तरह से यहाँ x हमारे पास 0 है, यहाँ x 1 है और ये y का फंक्शन बन जाएगा और ये भी हमारे पास 0 है, जबकि ये हमारे पास y है, यानी कि ये जो है हमारे पास 0, दोनों 0 हैं और ये हमारे पास x और ये y है और y की रेंज हमारे पास 0 से 1 तक है। इसमें हम सपोज कर लेंगे h और जो k है वो हमारे पास 0.1 है, यानी कि x जो है हमारे पास स्टेप साइज है इन x डायरेक्शन में और k जो है वो y डायरेक्शन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एलिप्टिकल इक्वेशन आ गई, इसको रीराइट कर लिया हमने और फिर हमने इस पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगा दिया, जैसे कि लास्ट एग्जांपल पे लगाया था। तो जब सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो सेंट्रल पॉइंट और इसके लेफ्ट और राइट आ जाएंगे पॉइंट्स और नीचे एच स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में, और जबकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई के अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो इसमें अप एंड डाउन पॉइंट्स आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा के, क्योंकि के हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टेप साइज है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको, तो हम ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, ये इसे आप देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई इसको किया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास चूंकि एच और के जो हैं वो हमारे पास सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं इसे। एक्चुअली इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इसमें एच और के हमारे पास इक्वल है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। अब एन और के की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके एन की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है बी माइनस ए ओवर एच। बी हमारे पास 1 है, ए 0 है और एच जो है 0.1 है, तो ये एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरह से एम की वैल्यू के लिए क्या होता है, डी माइनस सी होता है ओवर के। तो डी 1 है, सी 0 है और के जो है 0.1 है, यहां से एम की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 9 10। और जबकि आई और जे की वैल्यू हमारे पास क्या वेरी करेगी, 9 तक, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज आई और जे की 10 है, तो एक इसमें से हमारे पास लेस होता है तो इसमें 9 तक जाएगी। और ये हमारे पास कौन से पॉइंट होंगे, इंटरनल मैश पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें ये काफी लेंथी क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल पे हमारे पास 3 मैश पॉइंट थे, तो 3 क्रॉस 3, 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये 9 पॉइंट्स इंटरनल बने थे, जबकि यहाँ पर इंटरनल पॉइंट 9 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और 9 ही हमारे अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये 81 बनेंगे पॉइंट। इस पे हमने इंटरनल पॉइंट्स पे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमने इंटरनल मैश पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास हम इसकी सॉल्यूशन डोमेन बना लेते हैं एक, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन ए। इसमें हमारे पास मैंने जैसा कि बताया था, हमारे पास पॉइंट है, टोटल है 10, 0
से लेके ये है हमारे पास 10 तक, और इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस के भी 10 है, जबकि इंटरनल पॉइंट्स हमारे पास 81 है। अब यहां से हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास P1 है, ये P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8, 9 और फिर यहां से फिर 10। इस तरह से ये इंटरनल पॉइंट्स पे सब पे 80 हम इसको लिख लेते हैं, ये पॉइंट 18 है और फिर इसके बाद ये शुरू हो जाएगा पॉइंट 19, 19 से 27 जाएगा, फिर 28 से 36 जाएगा, फिर 37 से 45 जाएगा और इसी तरह से यहाँ है 55 से 63 और लास्ट वाली इक्वेशन में, लास्ट वाली लाइन में 73 से 81 तक। तो ये इंटरनल तमाम पॉइंट्स हैं, इस पे हमने एट ए टाइम वैल्यू निकालनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले जो कि बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है, हम सबसे पहले उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, वो क्या आती है बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या है हमारे पास, बाउंड्री पॉइंट्स है हमारे पास ये, पहले ये जीरो वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि अब देखें अलोंग एक्स एक्सिस तमाम हमारे पास जीरो होंगे और अलोंग वाई एक्सिस वो भी तमाम जीरो होंगे जीरो के ऊपर। तो ये हमारे पास u ऑफ x i जीरो जीरो आएगा और u ऑफ जीरो y j इक्वल टू जीरो। x के साथ हमारे पास i लगता है तो ये तमाम i के लिए, और y के साथ j लगता है और ये तमाम y j के लिए, तमाम वैल्यूज के लिए। तमाम वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 से लेके 9 तक और यहां भी 1 से लेके 9 तक, ये हमारे पास वैल्यू जीरो आ जाएंगी। ये कौन सी वैल्यू है डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यूज है, ये यहां लिख देता हूं मैं, यहां 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ये जस्ट पॉइंट काउंट करने के लिए, लेकिन यहां हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी वो जीरो आएंगी। ये भी जीरो, और जबकि हमारे पास पॉइंट एच जो है, एच कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, 0.1 है, तो 0.1 के डिफरेंस के साथ 0.1, 0.2, 0.3 इसमें ऐड करते चले जाएं 0.1 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.9 और लास्ट में 1। इसी तरह से के में के क्या है, वो भी हमारे पास 0.1 है, तो इसमें 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1 तक आ जाएगा। और दूसरा था हमारे पास ये अलोंग एक्स एक्सिस के आ गया और अलोंग वाई एक्सिस के, इसी तरह से ये भी हमारे पास जीरो है एक्स और वाई। अब वाई के भी जीरो आ जाएगा वैल्यूज, तो यहां भी हम जीरो बाउंड्री पॉइंट पे लिख देते हैं। ये भी जीरो है, ये जस्ट 10 जो है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये जस्ट काउंट कर रहा है हमारे पास के नंबर ऑफ पॉइंट 10 है, जबकि वैल्यूज बाउंड्री पे जीरो है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी हमारे पास, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी ये, अब इसे इस्तेमाल करते हैं, यू एक्स वन एक्स, यू एक्स वन एक्स, आई थी आई लगा देते हैं फॉर ऑल आई के लिए। इसी तरह से दूसरी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, वन वाई, यू वन वाई जे, वाई जे फॉर ऑल जे, ये भी जे हमारे पास वन से लेके 9 तक है और आई भी वन से लेके 9 तक है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है हमने, इसकी वैल्यूज किस तरह से निकलेंगी, अब वन पे, अब चूंकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट वन है तो वन तक जाके जाएंगे और इसमें वैल्यूज निकालेंगे, यू एक्स वन, जैसे कि पॉइंट वन पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन और ये है हमारे पास पॉइंट वन, और इसी तरह से जब टू पे निकालेंगे
एक्स टू, ये पॉइंट टू, ये तमाम वैल्यूज इस तरह से फाइंड कर लेंगे। यू नाइन पे निकालेंगे, वन पे एक्स नाइन, एक है पॉइंट नाइन। इसी तरह से अलोंग हम ये इसकी सेकंड से निकालेंगे, ये भी हमारे पास वही वैल्यूज आ जाएगी, यू वन वाई वन, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी पॉइंट वन। इसी तरह से यू वन वाई टू, ये पॉइंट टू, और अप टू यू वन वाई नाइन पॉइंट नाइन। ये है हमारे पास डायग्राम। तो इस पे वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास क्या आ रही थी, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन, पॉइंट एट, पॉइंट नाइन, और यहाँ वन। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएंगी अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के भी हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज, ये यहाँ लिखी हुई है पहले से ही, हमारे पास ये आ जाएंगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस के दोनों सेम हमारे पास आ जाएंगी वन पे। और यहाँ भी इसी तरह से पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और वन। तो हमने बाउंड्रीज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन के निकाल ली है, हमारे पास यहाँ जीरो पे और ये वन पॉइंट पे, ये हमने दोनों निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये यहां हमने लिख भी लिया इसको कि जीरो से जीरो, वन वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, और ये तमाम वैल्यूज इसी तरह से हमारे पास ओमेगा नाइन जीरो, ये जीरो आ जाएगी वैल्यूज। और इसी तरह से जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री, अप टू जीरो नाइन इक्वल टू जीरो, ये तमाम वैल्यूज इसी को दोबारा से लिख दिया है। और यहाँ पर जब वन के ऊपर जो आई थी, वन के ऊपर, तो इसमें वैल्यू पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लेबलिंग करेंगे। लेबल जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हमने लेबलिंग की थी, यहाँ भी लेबलिंग करेंगे इंटरनल मैश पॉइंट्स के ऊपर। वो कैसे की थी कि पी एल, यानी कि पॉइंट पी वन जो है एक्स आई वाई जे, और डब्ल्यू एल इज इक्वल टू या ओमेगा ओमेगा आई जे, और मेन इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू आई प्लस एम माइनस वन माइनस जे इंटू एन माइनस वन था। इसमें क्या करते थे हम, एक पॉइंट को पहले फिक्स कर लेंगे, जे को फिक्स कर लेंगे, जे इज इक्वल टू नाइन, और जबकि आई को वेरी करेंगे वन से लेके नाइन तक। अब हमें मालूम है एम और एन जो है वो हमारे पास टेन है। अब आप इसमें पुट कर दें एल इज इक्वल टू वन, आई एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने वेरिएशन लगानी है इसके ऊपर, और एन की वैल्यू टेन है, यहाँ पर टेन लगा देंगे माइनस वन, और जे जो है हमने फिक्स रखा हुआ है नाइन नाइन, और यहाँ टेन माइनस वन नाइन आ जाएगा। जब ये करेंगे टेन माइनस टेन कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी, जबकि सिर्फ आई बाकी बचेगा। अब आई के ऊपर एल इज इक्वल टू आई आ गया हमारे पास, यानी कि जब अब हम आई को वेरिएशन देंगे, आई इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, टू थ्री अप टू नाइन तक पुट करेंगे, तो इसका मतलब है एल की भी वही वैल्यू आएगी जो आई की आ रही है, ये थ्री है एल थ्री, और इसी तरह से ये हमारे पास नाइन है। और जब इस पॉइंट में पुट करेंगे तो एल, एल की क्या वैल्यू है, एल की वन है इसमें एल वन, और आई जो है वो वन है, और नाइन हमने फिक्स रखा हुआ है वो क्या है नाइन। इसी तरह से जब हम एल इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टू पुट करेंगे, तो यहाँ एल इज इक्वल टू टू, टू नाइन आ जाएगा। फिर जब थ्री पुट करेंगे यहाँ पर थ्री,
और ये 3 9 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 9 जो है हमारे पास फिक्स है यहाँ पर, क्योंकि 9 को हमने जे को फिक्स रखा हुआ है और आई को वेरिएशन दे रहे हैं, तो ये हमारे पास 0.19 2 9 3 9 और अप टू 9 9 तक आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि क्या आ रहा था हमारे पास 1 9 2 9 3 9 4 9, ये सारे जो है इसको लेबलिंग करके हमने क्या कह दिया, ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 4 5 अप टू 9। बजाय इसके कॉम्प्लिकेटेड लिखने के हम क्या करती हैं इसको किस तरह से हम लेबलिंग करके इसकी सिर्फ नंबरिंग लिख लेते हैं बजाय इसके टू टू पॉइंट्स लिखने के। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम जे को फिक्स कर लेंगे 8 और आई को वेरी करेंगे 1 2 3 अप टू 9 के लिए, तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे आई एज इट इज और 10 आ जाएगा हमारे पास इसमें एम और एन और जे जो है 8 था 8 लगा दिया और यहाँ हमारे पास था एन एन 10 10 था और माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आई प्लस एन आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू 1 होगा तो l क्या होगा, यहां से हमारे पास 1 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा और फिर ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा l 10 इज इक्वल टू 1 8 आ जाएगा। अब 1 8 आ जाएगा यहां पर क्योंकि j को हमने फिक्स किया हुआ है 8 अप टू और i को वेरी करेंगे। इसी तरह से जब i इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहां पर ये 11 हो जाएगा, इसका मतलब है ओमेगा 11 इज इक्वल टू 2 8 आ जाएगा क्योंकि आई 2 आ गया और जे फिक्स है। इसी तरह से चलते चले जाएंगे आई इज इक्वल टू 9 के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर जब आई यहाँ 9 पुट करेंगे ये 18 आ जाएगा तो ओमेगा 18 9 8 आ जाएगा। इसको हम इसमें दूसरे में कॉलम में लिख लेते हैं कि 1 8 2 8 3 8 up to 9 8, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 10 11 12 13 up to 18। तो इस तरह से कॉलम वाइज हम इसको सबको लेबलिंग कर देंगे इस तरीके से। बाकी आप इसका खुद फाइंड कर लीजिएगा, इसमें 2 वैल्यूज मैंने जो है वो निकाल के दे दी, लेबल करके दिखा दिया है, जबकि आप नेक्स्ट में आपने आई जे इज इक्वल टू 7 पुट करना है, फिक्स रखना है और आई 1 2 9 करना है। जब इसे करेंगे तो आप इसको लेबलिंग इजीली कर सकते हैं, तो आप इसको कीजिएगा लेबलिंग और दोनों ये हमारे पास पॉइंट टोटल कितने बन रहे हैं, 81 बन रहे हैं, तो 81 पॉइंट तक आपने लेबलिंग करनी है। ये मैंने लेबलिंग यहां पर आपको दिखा दी है कि ये लेबलिंग किस तरह से हुई है। नेक्स्ट में भी आपने लेबलिंग कहां तक करनी है, पॉइंट 81 तक करनी है, ये 81 टोटल पॉइंट होंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास थे पॉइंट डायग्राम में P1 P2 P3, ये दरअसल क्या है, P1 एक्चुअली ओमेगा 1 है, P2 क्या है ओमेगा 2 है और P3 क्या है इसी तरह से ओमेगा 3 है। इसी तरह से आप चलते चले जाएं तो ये हम लास्ट में इसको P जो है 81 है वो एक्चुअली ओमेगा 81 है जिसपे हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये लेबलिंग आप इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन नंबर 1 की मैश पॉइंट पे। अब फिक्स कर लेते हैं हम जे इज इक्वल टू 9 और i को वेरी करेंगे 1 से लेके 9 तक। अब जो हमारे पास वैल्यूज थी यहां पर इक्वेशन ए की तरफ देखें, इक्वेशन ए हमारे पास ये है, इस पे करना क्या है आप लोगों ने, इस पे आपने एक तो ओमेगा की वैल्यू जो हमने लेबलिंग करके लगाई है वो, और फिर बाउंड्री वैल्यू के जो पॉइंट्स हैं वो पुट करने हैं आपने। तो इसका मतलब है ये आई जे वगैरह ये तो सब खत्म हो जाएगा, ये इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा 1 से लेके 18 तक है और बाउंड्री के पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए हैं कुछ में 0 किए हैं, किसी में 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 तक किए,
ये जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जब i इज इक्वल टू वन पुट किया अप टू 9 तक, जब इसमें पुट करेंगे हम वैल्यूज तो क्या होगा, कुछ बाउंड्री की वैल्यूज आएंगी और कुछ हम जो कन्वर्ट हमने लेबल किए थे वो इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये i इज इक्वल टू जब फिक्स किया है हमने j इज इक्वल टू 9 को, तो हमारे पास कितनी 9 इक्वेशंस आ गई। इसी तरह से फिक्स कर लें j इज इक्वल टू 8 को और i को वेरी करें 1 to 9 तक, तो 9 इक्वेशंस हमारे पास यहां से आ जाएंगे। और इसके साथ साथ इसको जो लेबल पॉइंट किए हैं वो इसमें पुट करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, जरा काम इस पे टाइम लगेगा आपको करने के लिए, लेकिन इसके आप इसको वेरीफाई करें। और जिस तरह से 9 इक्वेशंस यहां बनी है, 9 यहां बनेंगी, इसी तरह से आप फिक्स कर लेंगे जब जे 7 के लिए और आई इसमें भी 1 to 9 तक करेंगे, यहां पर भी आपके पास 9 इक्वेशंस बन जाएंगे। इसी तरह से हर फिक्स जे के लिए आपके पास 9 इक्वेशंस बनेंगे, सेट ऑफ इक्वेशंस। इसी तरह से जब फिक्स करेंगे जे इज इक्वल टू, ये हमारे 6 तक किया था, 5 तक करेंगे तो यहां 9 इक्वेशंस बनेंगी। और जब 4 पुट करेंगे और आई को वेरी करेंगे, इक्वेशंस 9 यहां से बन जाएंगे आपके पास। और जब इसी तरह से ये जे फिक्स करेंगे 3 के लिए, यहां से इक्वेशन 9 बनेगी, और जब 2 करेंगे यहां से भी, तो यहां पे भी 9 इक्वेशंस आ जाएंगी और यहां भी। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास, जब जे इज इक्वल टू 1 होगा, फिक्स रखेंगे उसको और आई की वैल्यू वेरी करेंगे, यहां भी 9। यानी कि हर जे के लिए फिक्स वैल्यू ऑफ जे के लिए वही कम अक्रॉस 9 इक्वेशंस। और उसके बाद हम इस पे क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे एट्रेटिव स्कीम। जब एट्रेटिव स्कीम लगाएंगे तो कौन सी लगाई थी, लास्ट टाइम हमने लगाई थी गॉस सीडल मेथड, तो इसमें भी गॉस सीडल ही मेथड लगाएंगे। और ये एट्रेशन, फर्स्ट एट्रेशन के हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.025। ये कहाँ लगानी है आपने, ये इक्वेशन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 25 में डिटेल बताती थी किस तरह से हम गॉस सीडल मेथड लगाते हैं। तो गॉस सीडल मेथड जब लगेगा तो यहां पर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पर आप इजीली लगा सकते हैं इसकी जो है एन, जैसे कि एन लगाते थे हम इस तरह से एन, और जो नोन वैल्यू होती थी वहां पर हम लगाते थे एन, और जो अननोन होती थी वहां लगाते थे एन प्लस 1। ये लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में देखिएगा, इस तरह से वैल्यू हमने निकाली। और जब इसके ऊपर आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, इसी ये एट्रेशन 1 है, फर्स्ट एट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, हमारे पास हैं 81 वैल्यूज। ये हमारे पास 25 है, 93 और कुछ वैल्यू यहाँ पर विजिबल नहीं थी, मैंने इसको दोबारा से लिख दिया। तो ये वैल्यू आप वेरीफाई कीजिएगा और इसी तरह से ये शुरू हो जाएगा 46 से लेके अप टू 81 तक। अगर आप मजीद करना चाहें तो इसको सेकंड एट्रेशन भी आप इसमें निकाल सकते हैं। सेकंड एट्रेशन तक आई थिंक सो इट्स इनफ, बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक टाइम व्हेन यू सॉल्व दिस एग्जांपल। थैंक यू।